मेरी मामा को इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट है ऑनलाइन स्किल्स में, ऑनलाइन अर्निंग के लिए। तो मेरी मामा ने तो अपना अपने आप को कोर्स में एनरोल करवा लिया, तो मामा वीडियोस देखती थी, उनके साथ मैं भी बैठ जाता था, 3-4 वीडियोस देखी, सक्सेस स्टोरी देखी, मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। तो कोर्स से बिल्कुल एक दिन पहले ही मैंने अपनी मामा को बोला कि ये कोर्स मैं कर लेता हूँ। मैं गया क्लासेस में, क्लासेस ली, एक दो ली, काफ़ी ब्लैंक था, कुछ आइडिया नहीं था। उसके बाद मैं प्रोडक्ट हंटिंग की प्रैक्टिस ही कर रहा था, प्रोडक्ट हंट नहीं हो रही थी क्योंकि ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग टास्क होता है। तो मैं गिव अप करने वाला था, बट वहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने, मेरे सर साकिब इंतज़ार ने मुझे काफ़ी सपोर्ट, मोरल सपोर्ट और मोटिवेट किया। मेरी मंथली अर्निंग कुछ अराउंड 1000 to 1200 तक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं, लेकिन इनकी ख़ास बात यह है कि इनकी वालदा ई कॉमर्स की फील्ड में इंटरेस्टेड थी और उन्होंने ख़ुद अपने आप को एनरोल करवाया था, लेकिन बाद में इन्होंने ज़िद की कि ये ई कॉमर्स की फील्ड में आना चाहते हैं और इसको सीखना चाहते हैं। फिर ये ई कॉमर्स की फील्ड में आए और इन्होंने अर्निंग स्टार्ट की। इनसे जानते हैं कि इनका तजुर्बा कैसा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमास अली साहब आपकी तशरीफ आवरी का। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप आईटी की तालीम हासिल कर रहे थे, आपने कब सोचा कि मैं ई कॉमर्स की तरफ आऊं और यहाँ पे अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ करूं? वालेकुम सलाम। अच्छा तो हुआ ये कि मेरी मामा को इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट था ऑनलाइन स्किल्स में, ऑनलाइन अर्निंग के लिए, और मेरी मामा कासिम अली शाह को भी काफ़ी रिलीजियसली फॉलो करती हैं, उनके लेक्चर्स वगैरह देखती हैं और उनके सारी मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह सुनती हैं। तो वहाँ से मेरी मामा को ये एनेबलर्स के प्लेटफॉर्म के बारे में और साकिब बाज़ार वगैरह के बारे में, अमेज़न के बारे में जो है नॉलेज मिली। तो मेरी मामा ने तो अपने आप को कोर्स में एनरोल करवा लिया, तो मामा वीडियोज़ देखती थी, उनके साथ मैं भी बैठ जाता था, 3-4 वीडियोज़ देखी, सक्सेस स्टोरी देखी, मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। तो कोर्स से बिल्कुल एक दिन पहले ही मैंने अपनी मामा को बोला कि ये कोर्स मैं कर लेता हूँ, मेरे पास फिलहाल टाइम भी है क्योंकि लॉकडाउन के दिन थे और मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं ये कोर्स कर लूँ। मेरी मामा ने बहुत खुशी से बोला हाँ कोर्स करो, उन्होंने मुझे एनकरेज किया, सपोर्ट किया। मैं गया क्लासेस में, क्लासेस ली, एक दो ली, काफ़ी ब्लैंक था, कुछ आइडिया नहीं था क्योंकि पहले कोई इतना खास ऑनलाइन मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। तो मेरे जो मेंटोर हैं साकिब इंतज़ार, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे एश्योर किया कि एज इज़ इंट अ फैक्टर, आप 17 साल के हो तो कोई मसला नहीं, आप कर सकते हो। तो उन्होंने काफ़ी स्किल्स वगैरह दी, प्रोडक्ट हंटिंग हुई, सोर्सिंग की क्लासेस, लिस्टिंग ऑडिट वगैरह, इन सब की क्लासेस हुई। अराउंड आफ्टर 2.5 मंथ्स हमारा जो कोर्स एंड हो गया। उसके बाद मैं प्रोडक्ट हंटिंग की प्रैक्टिस ही कर रहा था, प्रोडक्ट हंट नहीं हो रही थी क्योंकि ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग टास्क होता है और अमेज़न का बिज़नेस बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी यही प्रोडक्ट होती है। कोई भी बिज़नेस हो उसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोडक्ट होती है। तो 2-2.5 महीने बाद जब मुझे कोई प्रोडक्ट हंट नहीं हुई तो मैं गिव अप करने वाला था, बट वहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने, मेरे सर साकिब इंतज़ार ने मुझे काफ़ी सपोर्ट, मोरल सपोर्ट और मोटिवेट किया, एनकरेज किया कि करो हमास, यू कैन डू इट। तो उसी तरह बस मैंने फिर अक्टूबर आ गया, अक्टूबर में मुझे अपनी ग्रुप में विजिबिलिटी दिखाने की वजह से, हाईलाइट होने की वजह से मुझे अपनी पहली क्लाइंट मिल गई। उनका ये था कि उनकी जो ऑर्डर्स अकाउंट था उस पर बिल्कुल सेल्स नहीं आ रही थी, बिल्कुल डेड अकाउंट था, लॉस पे था। तो उस अकाउंट पे मैंने काम किया, 2-3 महीने काम किया, फ्री में काम किया क्योंकि उनको मुझ पर ट्रस्ट नहीं था, इस इन सेंस कि मैं काफ़ी छोटा हूँ और मैं पता नहीं कर सकूँगा। मैंने उनको बोला कि आप मुझे सिर्फ 2-3 महीने का टाइम दें, मैं फ्री में आपके साथ काम करूँगा। मैंने उनको उस टाइम पीरियड में अपने आप को प्रूव करके दिखाया एंड नाउ आई एम वर्किंग परमानेंटली विद हर। अच्छा आपकी इस वक्त मंथली अर्निंग क्या है? मेरी मंथली अर्निंग कुछ अराउंड 1000 to 1200 तक है। अच्छा जब आप ई कॉमर्स की फील्ड में आए, आपको प्रोडक्ट हंटिंग बहुत मुश्किल लगी, तो जो आने वाले लोग हैं आप उनको क्या गाइडलाइंस देंगे? प्रोडक्ट हंटिंग इनफैक्ट एक बहुत मुश्किल टास्क है और काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, प्रोडक्ट हंट नहीं हो रही होती, क्राइटेरिया पे मैच नहीं कर रही होती। तो उसका तरीका यही है कि आप 2-3 घंटे प्रोडक्ट हंटिंग करें, छोड़ दें, नहीं हुई हंटिंग आप छोड़ दें, बिल्कुल 8-10 घंटे आप लगे ना रहें, आपका दिमाग बिल्कुल पागल हो जाएगा। आप छोड़ें, रेस्ट लें, पानी वानी पिएं, थोड़ा नैप वगैरह लें, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करें। ऐसा रोज़ के गैप दे के 2-3 घंटे आप दें और इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल होंगे प्रोडक्ट हंट करने में। सर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट तो काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है पीपीसी कैंपेन्स के हवाले से, हमें थोड़ा सा बताएं। मेरी एक्सपर्टीज़ बेसिकली जैसा आपने बोला पीपीसी कैंपेन, उसी में मेरी एक्सपर्टीज़ काफ़ी अच्छी है क्योंकि मैंने जो पहला क्लाइंट था उनका अकाउंट भी पीपीसी कैंपेन के थ्रू ही लॉन्च किया था। ठीक है। तो पीपीसी कैंपेन बेसिकली स्पॉन्सर्ड एड कैंपेन्स होती हैं जिसको अमेज़न बिल्कुल अलाउ करता है, एनकरेज करता है सेलर्स को कि वो यूज़ करें। रैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पीपीसी कैंपेन स्पॉन्सर एड। इसका डिफरेंट तरीके से कैंपेन डिज़ाइन की जाती है, इनकी ऑप्टिमाइजेशन होती है, वीकली बेसिस पे होती हैं
और काफ़ी स्ट्रेटजीज होती हैं वो जो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती हैं। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट के पास कौन कौन से स्किल्स लाजमी तौर पर होने चाहिए? जो सबसे सबसे मेन जो स्किल है वो प्रोडक्ट हंटिंग है, क्योंकि अगर आप एक अच्छी प्रोडक्ट को एनालिसिस नहीं कर सकते, हंट करने के बाद एनालिसिस नहीं कर सकते कि इसकी डिमांड क्या है, इसका कंपटीशन क्या है, ये कितना अरसा चलेगी, सीजनल तो नहीं है, एवरग्रीन प्रोडक्ट है, तो आपको बस ये चीज़ देखना पड़ता है। उसके बाद फिर प्रोडक्ट की लॉजिस्टिक्स वगैरह संभालना होता है, चाइना से लिस्टिंग, उसकी रैंकिंग, उसके रिव्यूज़ वगैरह आपको चाहिए होते हैं। तो एट ओवरऑल आपको सारी स्किल्स में अच्छी आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अच्छा, जो लोग सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं, उनका ई कॉमर्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, आप उनको क्या मशवरा देंगे? अगर आप ई कॉमर्स की फील्ड की तरफ आ रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, ई कॉमर्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो पेशेंस है। पैसे ये कोई क्विक रिच थीम नहीं है ये कि ओवरनाइट आप अमीर हो जाएं, मिलियनेयर बन जाएं। आपको हर चीज़ अचीव करने में एटलीस्ट 6 to 12 months लगते हैं। तो मगर इसकी ये सबसे अच्छी बात है ई कॉमर्स की कि आप एवरेज जो बंदा होता है वो 3 to 4 months में अर्निंग करना शुरू हो जाता है और एक काफ़ी अच्छी अमाउंट कमाना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपके वो टीचर्स जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, उनके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट किया, एनकरेज किया, मोटिवेट किया। जब भी मैं डीमोटिवेट हुआ उन्होंने मुझे बिल्कुल पुश किया कि हाँ मास्क करो, मूव ऑन। और सेकेंडली मेरे मेंटर साकिब इंतज़ार, ही इज़ अ ग्रेट गाय, बहुत ज़बरदस्त गाय। उन्होंने उनको ही इज़ जस्ट अ टेक्स्ट अवे, उनको रात में कॉल करो, सुबह कॉल करो, वो आपको रिप्लाई करते हैं फ़ौरन। उनको बोलो ये प्रॉब्लम है, फ़ौरन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। तो साकिब इंतज़ार एंड माय पेरेंट्स। साकिब अज़हर साहब का एक विजन है, वो चाहते हैं कि लोगों को इनेबल किया जाए पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? साकिब अज़हर का जो विज़न काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर देखा जाए हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है जी। तो साकिब अज़हर की वजह से पिछले 2-3 सालों में काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी स्टेबली और हैप्पीली अपनी अर्निंग घर बैठे कमा रहे हैं। हाउसवाइफ्स हैं, यंगस्टर्स हैं, ओल्ड लोग हैं, सुकून से वो अपना बिज़नेस घर से बैठ के कर रहे हैं, कहीं बाहर निकलना नहीं होता, बस आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, एक वाईफाई होना चाहिए। तो साकिब अज़हर की जो एक अप्रोच है, कलेक्टिव अप्रोच है, पूरी जनरेशन को अपने साथ लेके चलना, पूरे यंग यूथ को अपने साथ लेके चलना, वन मैन शो नहीं है ये, हर एक स्टार है, इनेबलर्स में हर कोई स्टार है। बहुत बहुत शुक्रिया हमास अली साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं और वर्चुअल असिस्टेंट के रोल के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।